बागवान साथियों नमस्कार। आज हम एक आपको ये जो प्लांट है हमारे पास ये सीडलिंग रूटस्टॉक पर है और इसकी हाइट लगभग 14 से 15 फीट है और ये लगभग 6 साल का प्लांट है हमारा। एक टाइम हमने इसमें टॉल स्पिंडल के पर्पज से बहुत सारे फेदर्स ले लिए थे, मगर अगर आज आप देखेंगे इसका विगत देख के ये लग रहा है कि ये कंट्रोल नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहला कदम क्या, बागवान साथी को अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करें। सबसे पहले हमने यहाँ से फेदर निकाला था, उसमें टूथपिक बसाई थी, फिर डंडा या उसके मदद से इसको हमने बाहर की ओर करा था। अब हम इसमें ब्रांच सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो मिट्टी से यहाँ का डिस्टेंस है वो लगभग 2 फुट होना चाहिए। ये लगभग 2 फुट से थोड़ा सा कम रखा गया पहले का, ये कोई बात नहीं, हमने इसको हटा दिया। अब हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वैसे तो उसमें 4 टहनियां होनी चाहिए थी, मतलब 4 शाखा चौथी शाखा इधर भी होनी चाहिए थी, मगर इसमें है नहीं। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे, यहाँ हमने स्पेस देना है, इन दोनों को हटा दें ऊपर से। ठीक है जी, सबसे पहला काम होगा हमारा ब्रांच की सिलेक्शन। अब हमने यहाँ पर जो ये क्लस्टर है हमारा इतने से नीचे, इसमें हमने देखना कि कौन सी बढ़िया 4 शाखाएं, एक ये है, एक ये है, क्योंकि ये खाली में है, ऐसा ना। अब हमारे पास ये गलत है, इसको हटा दो, तो ये टहने के ऊपर टहने गलत जा रही, हट दी, 1, 2, 3 और 4 ये हटा। ये हमने लगभग उस खाड़ी के बाहर से काटा है ताकि ये भर जाए, हमारे को यहाँ कोई भी लालच है। अब ये एक टहनी ऐसी है जो शायद हो सकता है कल को काम आए, कोई भी टहनी अगर मेन टहने से आ रही है ना और आपको शंका है कि हो सकता है कि ये चले, तो अगर आपको कोई शंका है ना तो उस टहनी को काटना नहीं है। अगर हमारे को गलत लगेगी तो 1-2 साल के बाद हम इसको काटेंगे, मगर अगर काट दी फिर दोबारा नहीं उगेगी, अभी उगी हुई है इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, अगर घना लगेगा तो इसको हम हटा देंगे। अब आती है जी बात यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 2 टहनियां ना बहुत बढ़िया आई है, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है, मगर ये दूसरी है, मगर इसमें एक चीज आप देख पाएंगे ना कि जो थिकनेस नीचे की टहनियों में ना ये सबसे ज्यादा यहाँ है, और आपको ये लग रहा होगा कि जो नीचे की टहनियों का डाया है ये जो बड़ी टहनी है ये इससे बाहर है, बाहर आ गया नहीं डाया, मतलब ज्यादा ग्रो कर गई ये वाली टहनी। अब क्या करें, पौधे की कनोपी बनानी थी ऐसे से ऐसे, इसलिए हमारे को ये हटा, ये भी हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, फिर ये यहाँ पर गैप आ काटो, और ये टहनी के ऊपर टहनी भी है काट दी, भले ही बढ़िया टहना था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टहना था है, मगर फिर भी हमने इसको पूरा पूरा आराम से पूरा पूरा खा के, नहीं 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 ये लगा नहीं सर आपका, खुल गया, ये खुल गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर सिलेक्शन करना है, देखो ना बड़ी सीधी बात है, नीचे के तो ऊपर के तुम्हारे को काटने ही पड़ेगी है, जब हमने नीचे के रखने हैं ना, पांच टहने ठीक आ रहे, 1, 2, 3, 6 है ये, 6 है ये। और एक चीज का और हमेशा ध्यान रखना, जब आप फेदर्स को हटाते हैं ना तो ये बात का ध्यान रखे कि एक साथ ही सारा नहीं काट दे, मतलब अगर आप सोचेंगे ना कि एक साल में हम पौधे को बना देंगे उससे क्या, ये तो जान वाला है, अगर कहीं और प्रूनिंग करेंगे किसी में ग्रोथ कम है तो वो कैंकर से सूख सकता है, इसीलिए हमने ये कोशिश होती है कि जो हम ये मोटे टहने काटते हैं ये 1 साल में 2 और 3 ही काटे, से ज्यादा नहीं काटे,
तो अगर हमारे को लगता है कि ये पांच टहनों में से एक टहना गलत है, अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम ये हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ऑलरेडी है, दो यहाँ है, पांचवा परे को ये छठवा है, और आप इसको भी देखेंगे ये ज्यादा मोटा है, ये थोड़ा पतला है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से आगे हमारे टहने, ठीक है जी। अब हम जाएंगे जी सीधा ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर में देखो ये भी बढ़िया टहन है, मगर ये बहुत ही बीच में, यहाँ का गैप नहीं आ रहा, और इसको हम यहाँ पर टहना बढ़ा, एक दो, एक ये तीन, एक ये भी हो सकता है, या तो ये आगे वाला ये काटना पड़ेगा, हैं? आगे समझ। तो हम इसलिए इसको यहाँ से आगे आया समझो। तो हम क्या करेंगे, चार दिशा में अगर चार टहने रखेंगे तो हम ये पांचवा भी इसको भी हटाएंगे, ये हमारे चार पांच टहने हो गए यहाँ पे। ये हो गई जी हमारी ब्रांच की सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन होगी, कोई डाउट? अब आपको ये दिख रहा कि खुला कितना हो गया, बहुत खुला। अब हम करेंगे इसकी कर दो इसकी प्रूनिंग, पूछ के ब्रांच छोड़ के नहीं, हमने सेकंड ब्रांच ली है, ब्रांच को भी और किया है। जो ऊपर के टाइम में अगर तुम्हारे को डाया बनाना तो लंबा टॉप देना, अच्छा लंबा टॉप, तब बाहर को आएगा ना पौधा। तू पता क्या करो पाल, कुछ ना प्लम के टहने लेके आ, ऊपर ले जा, उसके ना कोई छः आठ डंडे ले आ, इधर मतलब इसमें डंडे फसा के मैं पूरा पेड़ बना के दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। बढ़ाना है अंदर है ना, भी इसको बढ़ाना, इसको छोटा नहीं काटना, चल जाओ ऊपर। टॉप करने ये सारे बात लंबे 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 टॉप लंबे टेन रखने ऊपर, लंबा लंबा और लंबा लंबा। इसको इससे ऊपर की गेंद सी नीचे से नीचे से ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा बस बस
लगाओ भाई, लगा लो कहीं ना कहीं भाई हो। और शुरुआती दौर में ना सबसे जरूरी होता है ये टेन अखाड़ा, मतलब बाकी काम करो ना करो साथ के साथ टेन साथ। एक बार टेन अब साथ दिया तो जीवन भर का सुख हो गया। पाल यशपाल रहने दे, हो गया इनसे भाई। ये ऊपर बड़ा बच्चे का बना